नमस्कार, महिलाएं आज परेशान है एक समस्या किचन में कॉकरोच की वजह से। कॉकरोच की वजह से वे कीटनाशक दवाएं, स्प्रे सब लाती हैं, उनकी वजह से उनका बजट भी बिगड़ता है और घर में जो छोटे बच्चे बड़े बूढ़े हैं उनको वो नुकसान भी पहुंचाता है। तो हम चाहते हैं कि कोई घरेलू नुस्खा मिल जाए जिसकी वजह से कॉकरोच नहीं आए। ये और फिर हमें मन में ये भी लगता है कि हम ये जीव हत्या कर रहे हैं और घरेलू नुस्खे इसकी वजह से क्या होगा, कॉकरोच पैदा ही नहीं होता है। और ये गोली जो हम बनाते हैं 2 मिनट लगता है केवल समय, और 3-4 महीने तक ये कॉकरोच पैदा ही नहीं होते हैं। 3-4 महीने बाद ये एक आध कॉकरोच दिखता है, उसके बाद हम ये गोलियाँ हटा दें और नई गोलियाँ फिर बना लें। लेकिन ज़्यादा सामान भी नहीं लगता है, घरेलू सामान रहता है, बस एक बोरिक पाउडर लाना पड़ता है। तो वो आप देखिए कैसे बनाते हैं हम 2 मिनट में कॉकरोच भगाने की ये गोलियाँ। देखिए, पहले डालेंगे गेहूँ का आटा आधी कटोरी, इतना ही करीबन बोरिक पाउडर डालेंगे, दो तीन चम्मच दही डालेंगे, ये 2 चम्मच डाल दिए, पौन चम्मच से 1 चम्मच तक शक्कर डालेंगे। उसके बाद इसे गूंथेंगे हम दूध से, दूध भी केवल 5-6 चम्मच करीबन लगता है, हम लोग लेकर रखेंगे। और इसे सख्त गूंथेंगे जिससे गोलियां अच्छी टाइट बना के, और एक पेपर पर इसे सूखने के लिए रख देंगे। इस तरह से ये इसकी गोलियां बना के एक पेपर पर सूखने के लिए रख देंगे। करीबन 1 दिन पूरा रख देंगे, पूरा दिन पूरी रात। जब सूख के वो टाइट हो जाएगा, उसके बाद हम किचन में या जहाँ जहाँ कॉकरोच होती है उन अलमारियों में अंदर कोनों में इन गोलियों को रख देंगे। उसके बाद बर्निया या जो भी आपको बर्तन रखने होंगे वो आगे रखिए, पीछे पीछे ये गोलियाँ रख दीजिए। ये देखिए इस तरह से ये तैयार होती हैं। ये आपको समय लगा केवल 2 मिनट, कॉकरोच से आपको 4 महीने तक पूरी निजात मिल जाएगी। उसके बाद फिर आप इसे चेंज करके फिर दूसरी बनाइए। धन्यवाद।